हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से इस पर्सन का क्या सोचना है, आज सुबह से इनके दिल में इनके मन में क्या चल रहा है, ये चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सुबह से इन्होंने एक बार भी आपको याद करा है या नहीं करा है, करा है तो किस वे में करा है, क्या करा है, तो ये चीज़ें टैरो से देखने की कोशिश कर रहे हैं। याद आपको यहाँ पर ये ज़रूर रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या सोचते रहे ये सुबह से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से इस पर्सन की क्या सोच रही, क्या सोचते रहे ये। गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को उस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी मत दिखाइएगा, आप ही के पास लौट फिर कर आनी है। जितना ग्रेटिट्यूड आप देंगे उतना आप ही के पास लौट फिर कर आएगी, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर मेजरली एनर्जीज आई हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि मेजरली यहाँ पर आया है। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है इस पर्सन की, जैसे कि सुबह से काफ़ी परेशान हो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा उस विषय में ओवर एनालाइज कर रहे हो। और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा उस चीज़ को सोच रहे हैं उतना ज़्यादा कुछ चीज़ों के मामले में तो ये क्लियर हो रहे हैं और कुछ चीज़ों के मामले में ये स्टक हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें पूरी तरह से दिख रही हैं कि ये पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, काफ़ी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। और जितना ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, जितनी उधेड़ बुन में है उतना ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनकी लाइफ में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा या कुछ चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं। ये जिस चीज़ को बहुत स्पीड से करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से हो जाए, वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में ना स्लो मूवमेंट में चल रही है और ये पर्सन उसी के बारे में सुबह से सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे कि इन्हें ट्रैवल करना हो, किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, किसी मूवमेंट का ये इंतज़ार कर रहे हो और वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसमें बहुत डिलेज हो रहे हैं, किसी भी तरह से कोई अड़चन आ जाती है तो उस मामले में भी काफ़ी परेशान रहे हैं। चीज़ों को कितनी भी इंटेंसिटी से करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि मैं जल्दी निपटा लूँगा या निपटा लूँगी तो उतनी जल्दी मेरी लाइफ स्पीड पकड़ेगी, तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन सुबह से काफ़ी परेशान एनर्जी में, काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी में यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी चीज़ की एंजाइटी ले रहे हैं, जैसे कि कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल एनालाइज तो ये बहुत कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम क्लैरिफाई करेंगे कि भाई ऐसा क्या इनके दिमाग में सुबह से चल रहा है जिस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, एंजाइटी भी हो रही है इन्हें और उस चीज़ को लेकर मन में डर भी चल रहा है, फिर कंपेयर भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये डाउट्स क्लियर करते हैं कि ऐसे इस पर्सन के मन में सुबह से क्या चल रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए सुबह से इस पर्सन को क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, किस विषय के बारे में ये समझ रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आई है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड लिब्रा की एनर्जी। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन सुबह से एक ऐसी एनर्जी में है कि जो भी इन्होंने करा अब तक
मतलब आपके साथ ही नहीं, ओवरऑल इन्होंने अभी तक जो भी करा, जैसे भी दोस्त बनाए, जैसी भी टीम बनाई, क्या इन्होंने वो सब चीज़ें सही करी? तो उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे थे, एज एन इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मुझे क्यों ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ये दुख दर्द तकलीफ मुझे क्यों मिल रहे हैं, उस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ऐसे मैंने किसके साथ अन्याय करा, किसके साथ जस्टिस नहीं करा, किसके साथ फेयर नहीं करा, या मेरे ऐसे जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे नहीं बनकर रह रहे, मेरे साथ नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने किसका गलत कर दिया? तो वो चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि क्या मेरे जो साथ वाले हैं, जो मेरे को एक्चुअली में दिख तो ये रहे हैं कि मेरे सपोर्टिव सिस्टम है, मेरे राइट हैंड है, क्या ये एक्चुअली में मेरे राइट हैंड है या मुझे कहीं ना कहीं बैक के पीछे मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो वो चीज़ें इनके दिमाग में सुबह से चल रही थी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस चीज़ की वजह से ये सुबह से एक ऐसी एनर्जी में थे कि मैंने किसके साथ अन्याय करा जो मेरे साथ गलत ही गलत हो रहा है, जो मेरे साथ ये हालात चल रहे हैं कि मैं स्टक हूँ, परेशान हूँ, मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहा या पा रही, तो वो इनके साथ चल रहा था। या मेरे साथ के जो भी लोग हैं वो मेरे बनकर क्यों नहीं रह रहे, मेरे साथ होने के बावजूद भी मेरा क्यों सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो इनके दिमाग में चीज़ें चलती रही हैं सुबह से। ठीक है, पोस्टपोनमेंट के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए और बताइए। पोस्टपोनमेंट के मामले में सुबह से इनकी क्या सोच रही, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भावनाओं में बह रहे थे। एज एन इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि मैंने सबके लिए बहुत करा है, फीलिंग्स वाइज मैंने बहुत करा है, अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया है, बहुत हर रिश्ते को निभाने के लिए मैंने बहुत काम करा, बहुत मेहनत करी, मुझसे जितना बनता था मैंने उतना उस रिश्ते को संभालने के लिए काम करा, फिर क्यों मेरी लाइफ में डिलेज है, फिर क्यों मेरी ही लाइफ में पोस्टपोन हो रहा है, फिर क्यों मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है? तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं जितना करता हूँ या करती हूँ मुझे उसके बदले में मिलता नहीं है। हो सकता है ऐसी सोच आपकी भी हो, लेकिन इनकी बात हो रही है तो डेफिनेटली इनकी यही सोच रही कि मैंने हर किसी को अपनी लाइफ में बहुत दिया है, अपनी साइड से मैंने दिया, लेकिन मुझे बदले में उस काम का रिजल्ट नहीं मिला, उतना नहीं मिला जितना मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ें जो सोच रहे थे वो फीलिंग्स वाइज को लेकर सोच रहे थे, परिवार को लेकर सोच रहे थे, जिसके साथ भी इनका परिवार है या जिसके साथ ही इमोशनली अटैच्ड हैं, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। ओवरऑल ये पर्सन जिससे भी इमोशनली अटैच्ड हैं, जिसके लिए भी इन्होंने इमोशनली अटैच्ड होने की वजह से जितना भी दिया है उसके ही बारे में सोच रहे थे, तो डेफिनेटली उसमें आप भी शामिल होते हैं। और इन्हें यही लग रहा था कि मैंने बहुत करा, अपनी साइड से बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से वो चीज़ें नहीं मिली। ठीक है, ट्रैवलिंग के मामले में सुबह से इनकी क्या सोच रही है, गाइड कीजिए बताइए। ट्रैवलिंग के मामले में द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक है द पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप हो, चाहे ये छोटे हो या आप छोटे हो। बेसिकली ये पर्सन ना सुबह से आपको भी बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एज एन की जैसे इनके मन में ये थाट आ रही हो कि इन्होंने आपके लिए बहुत करा, फीलिंग्स वाइज इन्होंने आपके लिए बहुत करा, लेकिन आपने ना इन्हें वो नहीं दिया जो ये डिज़र्व करते थे। या इन जैसे सपोज़ आपकी साइड से तो ऐसा लग रहा हो आपको कि ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट इन्हें वो चीज़ें नहीं लग रही थी कि ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था सुबह से कि ये आपसे सिर्फ प्यार चाह रहे थे, आप को अपने मन मुताबिक चलाना चाह रहे थे, इस रिश्ते को अपने मन मुताबिक चलाना चाह रहे थे, फिर इस चीज़ में आपको क्या दिक्कत थी, इस चीज़ में आपको क्या परेशानी थी, तो वो चीज़ें ने परेशान कर रही थी। यानी कि इनके मन में इस तरह की चीज़ें थी कि ये सब कर रहे थे अपनी साइड से, लेकिन
आपकी तरफ से इन्हें ऐसा फील होने लगा या लग रहा था सुबह से कि आप वो नहीं दे पा रहे हो इन्हें रिश्ते में, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने अपने आप से अकेले चलने का डिसीज़न लिया, आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया, तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि मैंने इस वजह से ही डिसीज़न लिया अकेले चलने का, बिन हालांकि मेरे सामने बहुत रिस्क थे, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन यही वजह थी मेरी अकेले चलने की। तो वो वजह के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सुबह से सोच रहे थे। इंटेंसिटी के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या सोच रही, गाइड कीजिए, बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब आप लोगों के बीच में ये दूरियाँ आईं, चाहे फिर ये दूरियों की जो वजह थी, जाने का जो डिसीज़न था वो इस पर्सन का ही क्यों नहीं था, लेकिन जो दूरियाँ आई, ये एकदम से जो सेपरेशन हुआ वो बहुत इंटेंसिटी से हुआ। तो ये पर्सन सुबह से ये चीज़ें भी सोच रहे थे कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ ना, ये जो मैं एकदम से आकर अकेला पड़ा हूँ या पड़ी हूँ, वो इतनी तेज़ी से हुआ जिसके मामले में मुझे वक्त ही नहीं मिला अपने आप को संभालने का, जिस मामले में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं किसी रिजल्ट का वेट करूं, कोई प्लानिंग करूं या उस प्लानिंग के मन मुताबिक मैं अपने आप को संभाल लूं। तो ये वो भी चीज़ें सोच रहे थे कि मैं जो आज की डेट में अकेला पड़ा हुआ हूं या पड़ी हुई हूं या अपने आप को ऐसा फील कर रहा हूं या कर रही हूं, उसकी वजह यही है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई बहुत इंटेंसिटी से हुई और उस इंटेंसिटी में मुझे अपने आप को संभालने का, अपने लिए कोई प्लानिंग करने का, अपने लिए कोई डिसीज़न लेने का वक्त ही नहीं मिला। उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी परेशान हो रहे थे, ये भी इनकी एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल ये पर्सन सुबह से ऐसी एनर्जीज में थे जिसमें ये अपने आप को विक्टिम मान रहे थे कि जो भी हुआ मेरे ऊपर ज़्यादा हुआ, जो भी पेन मिला, दर्द मिला, तकलीफ मिला, वो मुझे ज़्यादा मिला, मेरे हिस्से ज़्यादा दर्द आया है। वो चीज़ें इनके मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही थी कि मैंने सब कुछ करा, सबके लिए बहुत करा, लेकिन फिर भी मेरे पलड़े में ज़्यादा दुख और दर्द और तकलीफ आई है, वो चीज़ें थी। और उसी चीज़ का ये पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे थे। कंपैरिजन के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स, नंबर फोर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अप्रैल मंथ, हो सकता है आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से नंबर या ये मंथ आपको लेकर चलने हैं। नंबर थ्री काफ़ी लोगों के लिए, नंबर 11, ये सब इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका हो गया मार्च और नवंबर मंथ। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंपेरिजन कर रहे थे कि पहले भी तो आप लोगों के बीच में ये हालात आते थे, यानी कि ऐसा तो नहीं था कि चीज़ें एकदम फ्लो में चलती थी, पहले भी ब्रेकअप होते थे, फिर वापस पैचअप हो जाता था, पहले भी एक दूसरे से मन मुटाव होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन फिर पैचअप हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ, इस बार जब ये लड़ाई हुई, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, तो फिर ये ऑफर्स जो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, चाहे आपकी साइड से, इनकी साइड से, वो ऑफर्स क्यों ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इनकम्प्लीट है, या ये ऑफ़र क्यों ऐसे लग रहे हैं कि बस अब ये ऑफ़र ही सफिशिएंट नहीं है, तो वो चीज़ें ये इनके मन में चल रही थी और उसी चीज़ को लेकर ही काफ़ी परेशान रहे, काफ़ी दर्द में रहे, काफ़ी एनजाइटी में रहे और काफ़ी कंपेयर कर रहे थे कि पहले जब ये हालात आते थे तब क्यों इतना ज़्यादा फील नहीं होता था, क्या अब कुछ ज़्यादा ही हम सोच रहे हैं, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, या आप ज़्यादा ही सोच रहे हो, तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी। तो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंपेयर कर रहे थे ये सुबह से, और इसी चीज़ को लेकर ये परेशान भी थे विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड। इसी चीज़ को लेकर सोच सोच कर ये पर्सन डिप्रेस्ड हो रहे थे, अपना खून जला रहे थे, या अपने आप को लॉस हुआ हुआ, अपने दिल को टूटा हुआ फील कर रहे थे, वो एनर्जीज़ है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड एनर्जी हो और इनको आपके मामले में वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो कि आपकी साइड से वो थर्ड पार्टी आई है और उस चीज़ को लेकर वो परेशान हो रहे हो, या ओवरऑल जो भी मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ है, यहाँ पर मेजरली ट्रस्ट इशू वजह दिख रही है इस पर्सन की तकलीफ़ों की, कि ये आप पर किसी चीज़ को लेकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे ये ट्रस्ट इशू किसी और ने ही क्यों ना डाले हों, तो सुबह से इनको इसी ट्रस्ट इशूज़ को लेकर ये पर्सन सोचते रहे, अपना खून जलाते रहे, अपने आप को परेशान करते रहे, अपने आप को अकेला फील करते रहे, नाखुश फील करते रहे, ये एनर्जीज़ दिख रही है। ठीक है, और इन्हें ये लग रहा है कि मैंने तो बहुत करा, मैंने बहुत करा और इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था या सकती थी। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जीज रही। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, ये आपसे क्या कहना चाह रहे थे सुबह से। और
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे थे। तो ये आया है आपका, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे, आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, यानी कि ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप हर वक्त इनके दिमाग में चलते रहते हो, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, तो ये आपको उस तरह से देखते हैं कि आप इनके अदर हाफ हो, यानी कि बेटर हाफ हो, हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरह आपको ये देखते हैं, और इसी चीज़ को लेकर ये परेशान हो रहे थे कि मैंने तो तुम्हें अपना एक बेटर हाफ माना, लेकिन फिर मुझसे कहाँ गलती, मैंने इस रिश्ते में बहुत करा, बहुत मेहनत करी, फिर मुझसे कहाँ गलती हुई, फिर मैंने क्या गलत करा। तो उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन ना अपने आप को परेशान करने की एनर्जीज़ में रहे, अपने आप को डिप्रेशन की तरफ ले जाने की एनर्जीज़ में ये रहे, और यही वजह है कि आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने तो बहुत करा, आप शायद इन्हें लेकर भरोसा नहीं कर पाए, इन पर भरोसा नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें इनके मन में चली हैं सुबह से। आई हैव ड्रीमिंग ऑफ़ यू, तो आपसे ये कहना चाह रहे थे कि इन्हें तो आज भी आपके सपने आते हैं, आज भी आप इन्हें सपनों में दिखाई देते हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये आज भी आप लोगों के बीच में जो भी मन मुटाव हुए हैं, जो भी ब्रेकअप हुआ है, उन्हें ये आज भी सही करना चाहते हैं, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए और क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स के पर्सन। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि जानते हैं कि मैं ही वो एक इंसान हूँ जिसने आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए, जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, बट तुम ही एक ऐसे इंसान हो इनके ज़िंदगी में जिसने चीज़ों को अच्छे फॉर्म में इनके सामने प्रेजेंट करके दिखाया। तो बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन ना जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं सुबह से, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। और समझ में आ रहा है कि ब्लेम्स लगाने वाले ये हैं, तो आप कैसे इन पर भरोसा करोगे, या कैसे आप खुद से अब इनकी तरफ एफर्ट करोगे, तो वो चीज़ें इन्हें परेशान भी कर रही थी, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने में भी ये पूरी तरह से लगे रहे अपने दिमाग से, ठीक है। यानी कि सुबह से ये पर्सन अपनी ही एनर्जीज़ के मामले में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहे हैं, ये एनर्जीज़ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि आज सुबह से ये पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।